मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को बर्खास्त कर दिया है। मनोज पांडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं। तो अब बर्खास्त किया गया, एक तरफ आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से ये बर्खास्तगी हुई है वो जरूर कहीं ना कहीं सवाल बनकर सामने आ रही है। एक तरीके से कहें कि आज एक तरफ तीन नए नामों को जोड़ा जा सकता है कैबिनेट में, पहले ये कहा जा रहा था, और आप थोड़ी देर में जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होगा इससे पहले कई तरीके की सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कहा गया शिवपाल यादव नहीं आएंगे, उसके पहले एक बड़ा स्टेप मनोज पांडे को जिस तरीके से बर्खास्त किया गया है, आपको बता दें मनोज पांडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है और फिलहाल उन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। तो कैबिनेट विस्तार जो शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में, लेकिन उसके पहले एक बड़ा कदम। अब हालांकि कौन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और क्यों हटाया गया है मनोज पांडे को, ये भी बड़ा अहम सवाल हो जाता है। मनोज पांडे जो आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है क्योंकि उनकी बर्खास्तगी की जा चुकी है, तो एक तरफ आज कैबिनेट विस्तार है और उसके पहले मनोज पांडे को हटाया गया है, उनकी जगह किसको दिया जाता है। और आपको याद दिलाते हैं जरा, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बलराम यादव को बर्खास्त किया था, लेकिन आज उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पहले कयास लगाए जा रहे थे उनके बेटे को जगह दी जाएगी, लेकिन अब उन्हीं को जगह दी जाएगी। यानी कि हम कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में अगर देखें तो सियासी गहमा गहमी जबरदस्त तरीके से। एक तरफ शिवपाल यादव जो नाराज है, आज वो आ नहीं रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। ये कहा गया जिस तरह से पिछले दिनों कौमी एकता दल का विलय हुआ, फिर उसके बाद रद्द कर दिया गया और उसकी अगुवाई भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। कहा गया था मुलायम सिंह से परमिशन लेने के बाद ही सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव नाराज थे इस कदम से। राजभवन से सीधी तस्वीर। शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होने वाला है, राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उसके पहले कई तरीके की सियासी हलचल गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ इसमें शपथ ग्रहण समारोह में शिवपाल यादव शामिल नहीं हो रहे हैं, वो नाराज है, तो दूसरी तरफ माननीय श्री राज्यपाल की आज्ञा से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मनोज पांडे को बर्खास्त कर दिया है। माननीय श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से जिन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री बलराम यादव, श्री नारद राय, श्री जियाउद्दीन रिजवी। श्री बलराम यादव कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नारद राय कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जियाउद्दीन रिजवी बाहर हैं, उन्हें शपथ बाद में माननीय श्री राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। माननीय श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से जिन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री शारदा प्रताप शुक्ला। श्री रविदास मेहरोत्रा कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रविदास मेहरोत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत का प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविदास मेहरोत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हुआ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाचन के लिए निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं
प्रत्यक्ष या अथवा प्रत्यक्ष रूप से समसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री शारदा प्रताप शुक्ला कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। नहीं, फोटोग्राफर थोड़ा संभाल के। मैं शारदा प्रताप शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शारदा प्रताप शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अखिलेश कैबिनेट का विस्तार, जिसमें बलराम यादव को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो वही नारद राय ने भी शपथ ली है। चुनाव से पहले जिस तरीके से ये एक विस्तार हो रहा है, जो नए माननीय मंत्रीगण और माननीय राज्य मंत्रीगण ने शपथ ली है, बलराम यादव की एंट्री हुई तो मनोज पांडे को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जियाउद्दीन रिजवी को भी मंत्री बनाया गया, हालांकि आज वो मौजूद नहीं रहे इसलिए शपथ आज उनकी नहीं हो पाई है। आगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शारदा प्रसाद शुक्ला ने शपथ ली है। रविदास मेहरोत्रा ने भी शपथ ली है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रहा बलराम यादव, जिस तरीके से दोबारा उनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। 21 जून को उनको बर्खास्त किया गया था और उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि उनके बेटे को शायद शामिल किया जाएगा, लेकिन आखिरकार उनको शामिल किया गया। तो एक तरफ चुनाव से पहले ये जो विस्तार है कितना ज़्यादा नफा नुकसान देगा। एक तरफ एंट्री हुई बलराम यादव की तो मनोज पांडे को बर्खास्त किया गया। एक ये समझा जा रहा है कि शायद उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हालांकि आपको जरा याद दिलाते हैं, इसके पहले भी जब कैबिनेट विस्तार हुआ था, ये सातवां कैबिनेट विस्तार है, जब छठा कैबिनेट विस्तार हुआ था उससे पहले भी शिवाकांत ओझा को हटाया गया था। और आज कैबिनेट विस्तार से पहले मनोज पांडे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री थे उनको हटाया गया। भैया अरे क्या करना है। तो शारदा प्रसाद शुक्ला को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बलराम यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। नारद राय भी अखिलेश कैबिनेट में शामिल हुए हैं। तो वहीं रविदास मेहरोत्रा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। तो फिर से वापसी हुई है बलराम यादव की। यूपी में 3 नए कैबिनेट मंत्रियों ने, आपको बता दें कि फिलहाल 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं जिसमें शपथ अभी 2 ने ली है, क्योंकि ये बताया गया कि जियाउद्दीन जो आज उन्होंने शपथ नहीं ली है क्योंकि वो वहां पर अभी नहीं थे, वो आगे शपथ लेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से कैबिनेट का ये विस्तार हुआ है। विस्तार से पहले छुट्टी की गई मनोज पांडे की। ये कहा भी जा रहा था कि कुछ लोगों का हो सकता है पत्ता कट जाए, कहीं ना कहीं कामकाज को देखते हुए शायद ही समझा जा रहा है ये कदम उठाया गया है। संतुष्ट नहीं थे मनोज पांडे के कामकाज से, उनकी जगह दी गई है नारद राय को शामिल किया गया है। 3 कैबिनेट मंत्री तो 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो
उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर से एक अहम कदम भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विस्तार से पहले अगर सियासी क्रम को हम देखें समाजवादी पार्टी ने, तो एक तरफ शिवपाल यादव जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, दूसरा से कौमी एकता दल को लेकर तमाम चीजें देखने को मिली थी, उससे ये समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जीत हुई थी जब ये विलय रद्द हुआ, और वो नाराजगी आज भी देखने को मिली जो खुलकर सामने आई। बलराम यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सदा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बलराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नारद। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के दौरान उनका ये सातवां विस्तार है, जो बेहद अहम भी समझा जा रहा है। तीन मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, तो वहीं दो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव मौजूद नहीं है इस पूरे कार्यक्रम में, उसी को नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग मुद्दों पर राय अलग होती थी, लेकिन खुलकर नाराजगी इस तरीके से सामने नहीं आई, और आप साफ तौर पे उनका ना आना भी कई तरीके के सियासी मायने जरूर बताता है। तो यूपी की 4.25 साल पुरानी अखिलेश सरकार का सातवां कैबिनेट विस्तार जो हो गया है, अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ हैं। अवनीश, कैबिनेट विस्तार हुआ, बलराम यादव को दोबारा जगह दी गई, मनोज पांडे को लेकिन हटा दिया गया, नारद राय को शामिल कर लिया गया। इसके पहले भी जब छठा विस्तार हुआ था तो देखने को मिला था शिवकांत ओझा को हटाया गया था। ये मनोज पांडे को हटाया किस लिए किया है? जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, सियासी नफे नुकसान को अगर हम देखें तो क्या कुछ आकलन लगाया जाए 2017 के मद्देनजर? नहीं देखिए, समीकरण तो बहुत सारे हैं ही हर आदमी के चयन के पीछे, लेकिन अब छोटे छोटे समीकरणों को ध्यान में रखा है पार्टी ने। कुछ पुराने नेताओं को, जो कद्दावर नेता थे, उनको पार्टी ने एक बार मौका दिया है, पहले कभी चाहे शारदा प्रताप शुक्ला लखनऊ से जो सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं, या फिर रविदास मल्होत्रा जो पिछले काफ़ी समय से जो है वेटिंग में चल रहे थे, लखनऊ मध्य की सीट से विधायक हैं, और 1989 में पहले विधायक पिछली बार बने थे और फिर 2012 में वो विधायक बन पाए। तो ऐसे में पुराने साथियों को मुलायम सिंह यादव ने मौका दिलवाया है अखिलेश कैबिनेट में। उसके अलावा जो नारद राय और बलराम यादव, इन दो की मंत्रिमंडल में वापसी हुई है,
कुछ दिनों पहले बलराम यादव को कौमी एकता दल के विलय के मामले में जो है भूमिका को देखते हुए उनको बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो समाजवादी पार्टी की है उसने निर्णय किया कि बलराम यादव की वापसी की जाए। इसके अलावा नारद राय जिनको मंत्रिमंडल से पिछले साल बर्खास्त कर दिया गया था उनकी एक बार फिर से जो है वापसी हुई है। जियाउद्दीन रिजवी जो शपथ आज नहीं ले पाए, जो बाद में जब लौटेंगे विदेश से तब शपथ लेंगे, वो उमरा करने के लिए धार्मिक आयोजन के लिए बाहर गए हुए हैं, वापस लौट के आएंगे तो वो शपथ लेंगे। वो बलिया के सिकंदरपुर से विधायक हैं और कौमी एकता दल के विलय को रद्द करने के बाद पूर्वांचल के खासतौर पर 3 जिलों बलिया, मऊ और गाजीपुर में जो है अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने। इसीलिए जियाउद्दीन रिजवी को जो है वो कैबिनेट मंत्री की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी आगे जब वो लौट के आएंगे, यानी 3 कैबिनेट स्तर के और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पदों पर जो है आज शपथ दिलाई जानी थी। एक मंत्री के नाने से कुल 4 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। चलिए अब निशा आप हमारे साथ बने रहिए। जरा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये कहा गया था कि शिवपाल यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था कैबिनेट विस्तार में शामिल होने के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं हुए हैं जो जानकारी मिल रही है। इससे पहले ही कार्यक्रम से उन्होंने किनारा कर लिया था। शिवपाल यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं, ये खबरें इस तरीके की आ रही थी। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी। अवनीश, शिवपाल यादव को लेकर अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, लखनऊ तो पहुंचेंगे, अभी वो इटावा में हैं और माना जा रहा है कि दोपहर में वो लखनऊ पहुंचेंगे। 3 बजे निजी अखबार के कार्यक्रम में जो है वो जाएंगे, वहाँ शामिल होंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले उनसे फ़ोन पर भी बातचीत की है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे अब से थोड़ी देर पहले, और कहीं ना कहीं पहले उनको नहीं आना था, उनकी तबीयत भी पिछले दिनों खराब चल रही थी, लेकिन आज वो बावजूद इसके यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आए। शायद अपने जो 2 साथी थे, जो पुराने साथी, उनके शपथ ग्रहण में उनको शामिल होना था। बलराम यादव भी लंबे समय से उनके साथी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो इसी वजह से वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अब शिवपाल यादव की नाराजगी है इस बात को लेकर के कि संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी उनको आगे कर देती है और फिर पार्टी बैकफुट पर जाती है, इसको लेकर के कई बार उनकी भूमिका को लेकर के सवाल उठा। इस बार भी कौमी एकता दल के विलय को लेकर के ठीकरा सारा उन पर मढ़ा गया, जिसको लेकर के वो नाराज हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, पार्टी ने ही तय किया था और पार्टी ने उनको, और इसके पहले भी कई इस तरीके के मामले सामने आए जब उनको आगे किया गया और उसके बाद कदम पीछे खींचने समाजवादी पार्टी में।